वाली बात होगी। जो दूसरे बिहार के बड़े पदाधिकारी आईएएस जिनके बारे में चर्चा है कि वे भी सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं, उनका नाम है संजय कुमार। आपको पता है कि वे अपर मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी हैं और अभी शिक्षा विभाग में हैं। तो संजय कुमार जब बिहार आए थे तो कोरोना की लड़ाई शुरू हुई थी, तब वे हेल्थ सेक्रेटरी थे, बिहार के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी थे, और उन्होंने जो लड़ाई की बुनियाद रखी थी, ठीक है बीच में पॉलिटिकल खटपट हुई, तो एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ प्राधिकारी के रूप में संजय कुमार का नाम जाना जाता है। अब वे भी सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं, तो ये बड़ी खबरें हैं जो बिहार में परिवर्तन के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये जा रहे हैं तो आ कौन रहा है? तो देखिए खबरें ये है कि संदीप पौंड्रिक सीनियर आईएएस ऑफिसर और बिहार में बिजली के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसकी बुनियाद संदीप पौंड्रिक ने ही रखी थी, ये बिहार वापस आ रहे हैं। दूसरे मतलब सेंट्रल डेपुटेशन से हुकुम सिंह मीना की भी बिहार वापसी हो रही है। संदीप पौंड्रिक के बारे में खबर है कि वे आकर योगदान कर चुके हैं, हुकुम सिंह मीना आने ही वाले हैं। तो जब चंचल कुमार जा रहे हैं तो क्या होगा मुख्यमंत्री सचिवालय में? मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव कौन होगा? इस पर कई नाम चल रहे हैं, अभी नाम ठीक से बताया जाना क्योंकि ये नीतीश कुमार का बिल्कुल निजी फैसला होगा, तो इसलिए देखना होगा। लेकिन चर्चा ये है कि कुमार रवि जो पटना के डीएम भी रहे और अभी भवन निर्माण विभाग में है, कि ये अपने पद के अतिरिक्त मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के रूप में तैनात किए जा सकते हैं, मतलब इनका महत्व बढ़ने जा रहा है बिहार के प्रशासनिक महकमे में।